कह दिया नहीं नहीं बज गया बज गया, दूर से हाँ निहाल डाक कह दिया बज गया बज गया। का स्वागत है फिर से प्रीति जेठा ब्लॉग में, और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों आज हम लोग धारचूला जा रहे हैं, और क्योंकि आपको तो पता ही था हम लोग देहरादून में थे कब से, हो गए तो 3 महीने से भी ज़्यादा। तो फिर आज धारचूला जा रहे हैं, और अभी सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। तो अभी निहाल भैया की गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो नहीं पहुँचे तो सामान पैकिंग चल रहा है। कल रात को पैकिंग करा और सुबह भी सारा बैग हो गया ये और बाहर से भी रखे। दोस्तों हम लोग जाने लगे और निहाल भैया पीछे से गाड़ी में सामान रख रहे हैं। दीदी भी पहुंचाने आ रखी है, तो ज़्यादा सवारी तो नहीं है, 2-3 दिख रहे हैं और 2 ऑटो और में है। तो भी दोस्तों चलते हैं। जब आएगा तो बता देना मेरा फोन। चल ठीक है ना, ये आ जाएंगे मेरा नाश्ता। हरिद्वार दोस्तों अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए यहाँ पे। तंदूर के पराठे मस्त मस्त वाले, और बगल में भैया थोड़ा सुस्त है इसलिए कुछ नहीं खा रहे बोला। बीमार चाय भी आ गया, एक बार नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब थोड़ी देर के बाद जाएंगे वापस। ये हमारे ड्राइवर साहब हमारे पड़ोसी तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं दिन का, अभी 2:30 बज चुका है और खाना भी आ गया। दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है और खूब खाया मैंने आज जम के, पता नहीं थोड़ा बहुत तो उल्टी हो गया, वैसे भी आ गई और अभी भी होगा नहीं होगा। तो अब खाना खा लिया, अब जा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी है, सब्जी जा रहा है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? चौड़ा कोटी। और इसे भगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी पिचका देंगे ना, पत्थर मार के भगा रहे इसे। पिचका दिया बज गया बज गया, बचाना भगा देते ना। हिल रहा तो है ना, जिंदा तो है बेचारा, वो पता नहीं वहीं पे चिपका टाइप का लग रहा है ना यार। अब तो दवाई देंगे पता है, इतना बड़ा गर्दन दिखा रहा है, रहन दो यार लाठी से मत करो। पर ये खुद ही क्यों नहीं जा रहा है, फिर साइड भी तो नहीं हो रहा है, वो देखो कितना बड़ा जीप निकाल रहा है। एक जगह पे तो पिचक रखा है शायद, पिचका दिया नहीं नहीं बज गया बज गया, दूर से हाँ निहाल रहा कहीं आएगा वो उछल के। हाँ पिचक रखा है क्या अच्छे से आराम से? हाँ हल्के हल्के, हाँ वो पिचक रखा है ना दादा, और थोड़ा कर दो। ये लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं शायद, तो इनके पास कैमरा भी है, ये भी रुक गए देखने के लिए। पिचक रखा है हाँ, तभी तो नहीं हिल पा रहा है बस। हाँ साइड कर दो, अब क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद बोला, जान तो बचा दिया आधा अधूरा, क्या करें वो पिचक रखा है ना वैसे। सर पिचका दिया यार,
सर पिचक गया ना उसका, पता नहीं किसने पिचका दिया। हाँ तभी तो उसको हटा दिया ना। हिल रहा तो है। चलो फिर अब बैठते हैं हम लोग। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा मुनस्यारी। अच्छा ये भैया लोग भी ब्लॉग कर रहे हैं, देखिए ब्लॉग बना रहे हैं। अभी दोस्तों हटा तो दिया, अब पता नहीं क्या होता है, अब बचेगा नहीं बचेगा उसके ऊपर की बात है। ये देखिए यहाँ पे रोड खराब रखे हैं और मशीन लगी हुई है अभी रोड साफ करने के लिए, तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगता है। ऊपर से कभी भी आ सकते हैं। आदमी बचना चाहिए, गाड़ी कोई बात नहीं लगा रहा है यार। ये धक्का तो बढ़िया लगाता है, अपना भी चल रहा ना, खड़े खड़े लगाता तो जोर लगता। उस्ताद पास रोड खुल गया लेकिन काफी डर है, ऊपर से बहुत ही खतरनाक स्लाइडिंग हो रहा है। कितना कीचड़ है यार, स्कूटी लाया हो तो हट जाती। जब सब झगड़ी गया है अब मगे जन के दिन मेरी नानी आज कुछ चमत्कार करो प्रभु, मगे जन पसंद है नानी। ओ भाई साहब देखिए पत्थर भी आ रहे हैं साथ में। प्रीति क्या हो गया यार, ये किसी ने आग जलाया नीचे पे, धुआं है इधर। पहाड़ों का नजारा ऐसा ही होता है, कहाँ देहरादून यार। दोस्तों हम लोग रूम पे पहुंच गए धारचूला और रास्ते में थोड़ा तबीयत ऐसे ही चल रहा था तो फिर गाड़ी में वीडियो नहीं बना पाई इतना। लगभग यहाँ 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया था ये रूम, मतलब घर छोड़ा हुआ, तो देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा सीला निकल हो रखा है और कल से सफाई शुरू होगा इसका, तो फिर काफ़ी मतलब कॉकरोचों ने बहुत गंदगी कर रखा है और सीलन भी उतना ही आ रहा है। आज सोना भी मुश्किल है शायद, अभी सिर्फ चादर से चेंज ही कर दिया और अभी ये रात के 12 बजने वाले हैं, तो फिर अब सो जाके दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ।